अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आ गया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज में है और अनबॉक्सिंग हो चुकी है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आप वीडियो देखेंगे आपको मजा आएगा। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ। प्रोडक्ट जो है वो एक कैमरा है और ये कैमरा एक्वा फोटो एक कंपनी है उसका ये कैमरा है, इसका नाम रियल पिक्स मिनी एस। और इंटरेस्टिंग बात इस कैमरे की जो है वो ये है कि ये आप जब पिक्चर स्नैप करते हैं तो पिक्चर प्रिंट होके निकल भी आती है, जिसकी वजह से इसको इंस्टेंट प्रिंट कैमरा भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं इस कैमरे के बारे में मजीद बताता हूँ। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त आप कैमरे की बैक साइड देख सकते हैं, यहाँ पे एक LCD है। ये कैमरा बस नॉर्मल यूज के लिए अच्छा है और कोई इंस्टेंट पिक्चर वगैरह प्रिंट करनी उसके लिए अच्छा है, बट बहुत वाइड स्केल की मैं इतनी अच्छी नहीं आती और लेंस की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है इसकी। बट अभी मैं दिखाऊंगा आपको रिजल्ट वगैरह और एक पिक्चर भी प्रिंट करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा मज़ीद इसके बारे में। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पे पावर ऑन का बटन है, यहाँ पे पिक्चर स्नैप करने का बटन है। और अगर मैं इसके लेंस की बात कर लूँ तो ये यहाँ मैंशन भी एक्चुअली, तो ये 3.75 mm का इसमें HD लेंस लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं इसको अभी ऑन करता हूँ, आप देखिएगा बटन में दबाता हूँ, तो बटन दबाने के बाद ये ठीक है, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं तो ये मेरी पिक्चर आ रही है इसके अंदर। तो अगर मैं अपनी पिक्चर स्नैप करूंगा तो फिर वो इजीली प्रिंट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह भी हैं राइट लेफ्ट करने के, और ओके है, कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक पिक्चर अपनी स्नैप करता हूँ तो आप देखिएगा। ठीक है, ये मैंने अपनी पिक्चर स्नैप कर दी। अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर सही नहीं आई, अच्छी नहीं आई है, तो आप कैंसिल करते हैं, लाजमी नहीं आप हर पिक्चर प्रिंट करें। और जब आप कॉन्फिडेंट हो कि पिक्चर अच्छी आई तो आप उससे उसको प्रिंट करें। तो आइए मैं दूसरी पिक्चर लेता हूं। ये मैंने एक नॉर्मल सी एक पिक्चर ली है और अब मैं इस पिक्चर को आपके सामने प्रिंट करूंगा तो आप देखिएगा पिक्चर कैसे प्रिंट होती है। इसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा इसकी कार्ट्रिज के बारे में, और कार्ट्रिज का बॉक्स भी है, वो सारी चीजें मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। तो आइए इस पिक्चर को प्रिंट करते हैं। अच्छा, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे बटन एक दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ शो करता है यहाँ पे वार्मिंग अप। अच्छा, वार्मिंग अप के बाद ये प्रिंटिंग का आपको यहाँ पे शो करता है, और फिर इसके यहाँ साइड से आप देखेंगे तो अभी जो है वो पिक्चर बाहर आ जाएगी। ये देखें आप, पिक्चर प्रिंट करते हैं वो कि आपको LCD भी शो भी कर रहा होता है कि कौन से डिफरेंट कलर्स में ये पिक्चर प्रिंट कर रहा है, येलो एंड देन रेड, डिफरेंट कलर्स ये प्रिंट करता है। और उसके बाद फाइनल जो आउटपुट आता है वो आप देखिए कैसा आउटपुट आ रहा है फाइनल। ठीक है, जब ये पिक्चर प्रिंट करता है पिक्चर इस तरह से आ जाती है और ये शो भी करता है कि पिक्चर प्रिंट हो चुकी है। पिक्चर प्रिंट होने के बाद आप पिक्चर का रिजल्ट देख सकते हैं, सही अच्छा रिजल्ट है। और ये वाला एरिया जो है इसका, ये एक्स्ट्रा एरिया, इसको मैं यहाँ से अभी अलग कर लेता हूँ तो इस तरह की पिक्चर बाहर आ जाती है। अच्छी पिक्चर है, गुड इनफ है घर में यूजुअली नॉर्मल यूज वगैरह के लिए अच्छी है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इस कैमरे की, इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें ब्लूटूथ ऑलरेडी है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उस एप्लीकेशन के अंदर आप गैलरी में जाइए, कोई ऑलरेडी आपने मोबाइल से पिक्चर ली हुई तो वो पिक्चर भी आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। ये अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस करवाता हूँ और इस एप्लीकेशन से अपनी कोई पिक्चर प्रिंट करके आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। एक्वा फोटो के नाम से एक एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर ली, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन आ गई है इसके ऊपर, इसने कैमरा में डिटेक्ट कर लिया, टॉप लेफ्ट पे चार्जिंग शो कर रहा है, 20% चार्जिंग रह गई है। ये जो कैमरा है ये नॉर्मल मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो जाता है, यूजुअली डिफरेंट एंड्रॉयड फ़ोन्स का उससे इजीली चार्ज हो जाता है। तो अभी बैटरी 20% शो कर रहा है ये। उसके अलावा यहाँ कैमरे का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करें, कैमरे से अपने मोबाइल से डायरेक्ट कोई पिक्चर आप लें
और डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं इस कैमरे के ऑप्शन से। बाकी गैलरी का ऑप्शन है, शटर का ऑप्शन है, अगर आप चाह रहे हैं कि इस मोबाइल के थ्रू आप अपने कैमरे को ऐसा रिमोट यूज़ करें तो शटर के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। आप शटर का ऑप्शन है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर आपका जो आपके कैमरे में पिक्चर आ रही है वो उससे क्लिक हो जाएगी। मीन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कैमरा अपने पास से पिक्चर क्लिक कर ले, तो काइंड ऑफ रिमोट की तरह ये शटर वाला ऑप्शन जो है वो काम करता है। उसके अलावा मैं दूसरे ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने क्लिक की तो मेरा कैमरा जहाँ रखा हुआ था वो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, सामने जो वॉल की पिक्चर है उसने वो स्नैप कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, सेव वगैरह का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा मैं दोबारा आ जाता हूँ, इसमें ऐप है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल जाएगा। आपको टेस्ट प्रिंट निकालना चाहे तो वो आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। इस वक्त जो मैं जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बात करने वाला हूँ, वो गैलरी से कैसे पिक्चर प्रिंट करनी है, जो इसका सबसे बेस्ट फीचर है। तो उसके लिए सबसे आसान है, आपने गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे आप क्लिक करेंगे नॉर्मल आपकी गैलरी आपको विजिबल हो जाएगी। गैलरी में आने के बाद मैंने गैलरी के अंदर एक पिक्चर अपनी सेव की हुई है, मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। जब मैं पिक्चर ओपन करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टॉप पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि इसने कैमरा डिटेक्ट कर लिया। अब आप चाहें ना यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं और फिर सेटिंग की मदद से आप इस पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें बॉर्डर देना तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल फीचर्स हैं बैक जाने का। एडिट में अगर आप जाएंगे तो एडिट के अंदर बहुत से फीचर्स हैं। अगर आप इसका आईडी कार्ड की तरह पिक्चर करना चाह रहे हैं तो आप इसको आईडी कार्ड की पिक्चर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बैक जाएँ तो कोई कोलाज वगैरह आप चाह रहे हैं तो आप कोलाज बना सकते हैं यहीं पर रहते हैं। मल्टीपल पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे काफ़ी कूल फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर आप ब्राइटनेस वगैरह करते हैं या कोई फ़िल्टर वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल फ़िल्टर्स के ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली आप अपने हिसाब से पिक्चर को एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद आप इसको ईजिली कैमरे से प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फ़ीचर्स दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। टेम्पलेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, आप और कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें तो इस तरह का प्रीव्यू आता है। तो खैर जिस तरह की आप पिक्चर बनाएंगे उस तरह की पिक्चर एज इट इज प्रिंट। मैंने एक पिक्चर ओपन कर ली अपनी गैलरी से जैसे मैंने पहले डिस्कस किया और इसके एडिट ऑप्शन वगैरह सारे सिमिलर हैं। ये मेरी एक फैमिली पिक्चर है, ये बॉर्डर लाइन जो है ये बता रही है कि कितना एरिया प्रिंट करेगी। और इसको प्रिंट करने के लिए सामने कैमरा है, मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इससे ये पिक्चर प्रिंट हो जाएगी। अभी इसको देखते हैं कैसे प्रिंट होती है। तो मैं इस पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ आप देखेंगे यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है प्रिंटिंग और ट्रांसफरिंग। तो ये पिक्चर जो है अब कैमरे को ट्रांसफर कर रहा है। आप देख रहेंगे कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो गया और कैमरे के अंदर जो है वार्मिंग अप भी आ रहा है। अच्छा अगर कैमरा की एलसीडी वगैरह ऑफ हो जाए तो उसका मतलब नहीं कैमरा ऑफ होता है, कैमरा आपका आइडियल पोजिशन पर चला जाता है। और जब इसको प्रिंटिंग पर ले जाते हैं तो ये इस तरह प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये अब ये प्रिंटिंग कर रहा है। अब आप देखिए ये प्रिंट होगी कैसे पिक्चर बाहर आती है। अच्छा ये अब काम ये करता है कि ये आपको बता भी रहा होता है कौन कौन से मल्टीपल कलर जो है वो प्रिंट कर रहा है। ये तो आप देख सकते हैं अभी येलो आ रहा है, इसके बाद मेजेंटा आएगा, फिर सियान है, फिर लेमिनेशन करेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है ताकि आपको अंदाजा हो। यहाँ पर भी ना मोबाइल पर भी आपको ये स्टेप्स शो कर रहा होता है कौन कौन से स्टेप्स अभी चल रहे हैं। तक मज़ा आ रहा होगा आपको, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब मैं इसी कार्ट्रिज की बात कर लेता हूँ। तो अच्छा पहले ना मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है मैंने ऑफ कर दिया है। इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ इसके कार्ट्रिज का, तो यहाँ पे जो इसका कार्ट्रिज इंस्टॉल होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसका कार्ट्रिज भी निकाल के। तो इस तरह ऐसा कार्ट्रिज बाहर आ जाता है, ये इसका कार्ट्रिज है। इस कार्ट्रिज के अंदर फिल्म होती है। यहाँ पे ये वाला जो मेरे हाथ में एक्वा फोटो का कार्ट्रिज है इसके अंदर 10 फिल्म्स हैं, तो मैं एट अ टाइम 10 पिक्चर्स जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं दिखाऊँ आपको तो ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इस बॉक्स में डिफरेंट कार्ट्रिज होते हैं। इस वाले बॉक्स में 5 कार्ट्रिज हैं जिसका मतलब 50 पिक्चर्स जो है ये प्रिंट कर सकता है। ये एक्वा फोटो का बॉक्स है, कार्ट्रिज मैं निकाली है, इसको मैं दोबारा अभी आपके सामने पुट कर देता हूँ। ठीक है ये मैंने रख दिए और इसको मैं ऐसे ऐसे प्रेस कर पुट कर दूंगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है तो ये कैमरा है, आप देख सकते हैं बहुत लाइट मिनी कैमरा है। और ये जो एक्चुअली जो पिक्चर है ना ये इस पिक्चर साइड कार्ड की तरह होता है, तो आप इजीली इसको वॉलेट में कैरी कर सकते हैं।
अच्छा ये पिक्चर है आप देख सकते हैं, ये पिक्चर इजीली मेरे वॉलेट में आ जाती है, तो भी चाहे तो कोई फैमिली पिक्चर कोई फैमिली फोटोग्राफ्स वगैरह अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो कैमरा एक्वा फोटो का रियली पिक्स मिनी एस, ये यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे पर्सनली कैमरा बहुत पसंद आया। और ये है कि रन टाइम के ऊपर आपको कोई पिक्चर लेनी हो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये कुछ चीजें समझ में आई थी, अगर आप ये बाई करना चाहें तो आप यकीनन बाई भी करें, और इसके अलावा कोई क्यूरी वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं मजीद इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाता रहूंगा, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।